तो आपको इस बिजनेस में अगर कॉन्फिडेंस लाना है, कितने लोग चाहते हैं कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस बिजनेस को करने का, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, नॉलेज ले लो भाई साहब। हर शुक्रवार को आओ, हर शुक्रवार को आओ और इस बिजनेस को सीखो। और चौथी और लास्ट चीज, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। बहुत लोगों को ईमानदारी भगवान ने दी ही नहीं है। बहाना बनाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बीवी को बोलेंगे तेरी जिंदगी बनाऊंगा, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे बीवी को, और रात को बोलेंगे सुबह भूल जाएंगे, क्योंकि ये अपने लिए ईमानदार नहीं है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो ईमानदार क्या है? ईमानदारी, ईमानदारी वो नहीं है कि पैसे दे के टाइम पे लौटा दो। ईमानदारी है अपने लिए, क्या आप ईमानदार हो? जो बोलते हो क्या उसको निभाते हो? क्या जो वादा करते हो उसको किसी भी कीमत पर पूरा करते हो, या वादा करते हो? और हमारे यहां एक कहावत है आगरा में, किसी की बात कुत्ते की लात, वैसे हो। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, कम से कम बहुत आयत होगी इनकी, 60% लोग मेरी नजर में उनकी बात कुत्ते की लात, दोनों बराबर। ऐसे लोग हमारे धंधे में ताबड़तोड़ फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस कैश एंड कैरी बिजनेस है। पैसे लेके आओगे, ईमानदारी से लाओगे, आपको डीडी भेजनी होगी। कई लोगों की जेब में जैसे ही पैसे आए उनकी जेब गर्म हुई, उनके और उनके बाप के। भेजना छोड़ दिया, भूल गए, बहाने बनाना चालू। अपलाइन पूछ रहा हूं भाई कितनी आई, तो दो आई, उसमें से बोल देंगे सर एक भी नहीं आई, और अपने काम में लगा लेंगे, और कुछ बोलेंगे, और कुछ बहाने बनाएंगे, और कुछ करेंगे। ऐसे लोग, जैसे ये कुल्हाड़ी लेके बैठा ना पीछे, दिखाई दे रहा, ये कौन लोग हैं? ये साला अपलाइन के साथ गले में हाथ डाल के खड़े हैं, बोल रहे हैं तू भाई है मेरा, मैं तेरी जिंदगी में साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, लेकिन एक हाथ में पीछे से कुड़ाली ले रखी है इन्होंने, और ये कुछ भी करने को तैयार हैं। आगे पीछे से अलग हैं, आगे से कुछ बोल रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, और कुछ हो गई गलती तो सीधे नहीं बताएंगे आके, सीधा आपको बहाने बुने मार के उल्टी सीधी कहानी समझा के आ जाएंगे और बता देंगे। ये कौन लोग हैं? इन्होंने इस जिस दिन ये पैदा हुए हैं उस दिन एक्चुअली ईमानदार वाला दिन नहीं था। भगवान ने उस दिन वैसे बेईमान टाइप के लोग पैदा करे थे। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? Yes. कितने लोग इस बिजनेस में सीरियसली जिंदगी बनाना चाहते हैं? यू हैव टू बी ऑनेस्ट। क्या बनना पड़ेगा? Yes. कितने लोग बन सकते हैं? बहुत कठिन है ये। Yes. बहुत कठिन है भाई साहब, सच बता रहा हूं, बहुत कठिन। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है, कठिन, बहुत कठिन है ऑनेस्ट बनना। जवान दी तो पहुंचना, वादा किया तो पूरा करना, एक बार बोल दिया तो निभाना। मैंने किसी को बोल दिया कि कल तेरे को पैसे दूंगा, तो फिर किसी भी कीमत पे दूंगा, मदद करूंगा तो करूंगा, फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? और इन सब चीजों की वजह से मैं मैग्नेट बन गया। क्या बन गया? मैग्नेट। देवेंद्र शर्मा की शकल को कोई प्यार नहीं करता, जितने लीडर मेरे साथ बैठे हैं ये सब प्यार करते हैं देवेंद्र शर्मा के गुणों को। किसको? गुण जो है मेरे में। और अगर गुण सही ना होते तो सच बताओ क्या 12-12 साल मेरे साथ लोग रह रहे होते क्या? 12-12 साल लोग निभा रहे होते क्या? 12 सालों में मेरे अंदर कमियां पता चलती और छोड़ के भग जाते कि नहीं मेरे को? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में रोते हैं कि भाई साहब टीम नहीं बन रही, लोग नहीं रुक रहे, आ नहीं रहे, आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे। वो किस लिए नहीं रुक रहे? क्योंकि तू ईमानदार नहीं है, और बेईमान के साथ दुनिया में कोई रहना चाहता नहीं है। कभी तू वादा करता है तो फॉलो अप पे टाइम पे नहीं पहुंचता, पैसे का वादा करता है तो पैसे में लफड़ा कर देता है, और कोई वादा करता है तो और कोई चीज में नीचा हो जाता है। कभी तेरा व्यवहार सही नहीं रहता, कभी और कोई बात करता है, और लोग ताबड़तोड़ तेरे को क्या कर रहे हैं? छोड़ के जा रहे हैं। इस बिजनेस में मैग्नेट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मैग्नेट। जो भी आपके पास आए आपके गुणों के कारण आपसे चिपक जाए। समझ आ रहा है? और अगर आप ऐसे हो तो इसका मतलब जिंदगी बन सकती है। कितने लोग ईमानदारी से जिंदगी बिता सकते हैं, ईमानदार रह सकते हैं, ऑनेस्ट रह सकते हैं अपने लिए?
अपने खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। रह सकते हो? yes. सच्चे सपने जिनके होते हैं वो लोग बदलाव लाते हैं अपने अंदर। कमियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती हैं। मैं जब आया था क्या इस बिजनेस में ऐसा ही था क्या? नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को पता चला ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे अपने में इंप्लीमेंट करता गया। हर आदमी को अपने गिरेवान में झांक के ये पता चलता है कि क्या कमी है क्या अच्छाई है। बताओ कौन नहीं जानता ये बात? सब जानते हैं कि नहीं? जीतते कौन लोग हैं? जो अपनी कमियों पर काम करते हैं। समझ आ रहा है? गलतियां हर आदमी से होंगी क्योंकि बिना गलती के भगवान आदमी को बना ही नहीं सकता। मैंने एक किताब में पढ़ा आदमी की मैन्युफैक्चरिंग बिना गलती के पॉसिबल ही नहीं है। भगवान ने अगर आदमी बनाया है तो इसका मतलब गलतियों के साथ भेजा है। लेकिन सफल कौन लोग होंगे? जो अपनी गलतियों पर काम करेंगे। बहुत लोग मेरे नेटवर्क में कैसे आए? गए डाउनलाइन के यहां रहे, डाउनलाइन के यहां रहे और साला डाउनलाइन के यहां जाके उसी की बहन से चक्कर चला दिया। और कई लोग मेरे नेटवर्क में डाउनलाइन की बहनों को लेके भाग गए। मेरे को आज तक नहीं मिले हैं। मैं ढूंढ रहा हूं हंटर लेके। मैंने कहा साला एक बार मिल जाए। मिले नहीं मेरे को। समझ आ रहा है? कितनी उम्मीदों के साथ आदमी इनको घर ले गया था, क्या सोचा था इनके बारे में, और इन्होंने क्या किया, क्या सलाह दिया उसको और जीवन बर्बाद कर लिया। कई लोग आए जो अपने घर वालों के लिए ईमानदार नहीं थे, शादीशुदा थे फिर भी साले दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ गए। एक लड़की आई, थोड़े से नैन मटकाए, तीसरे दिन में चले गए। समझ आ रहा है? दुनिया में कई लोग आएंगे बिजनेस में और आने के बाद आपकी ईमानदारी चेक करेंगे। ईमानदारी हर तरीके से आपको दिखानी होगी। मेरे जितने फ्रंटलाइन लीडर हैं मेरे साथ रहते हैं, एक भी चरित्र की कमी आप उनमें बता ही नहीं सकते। मेरा पक्का डिसीजन है जैसे ही तेरे बारे में एक भी कमी मेरे पास आई, देवेंद्र शर्मा की डिक्शनरी में सॉरी और माफी दो वर्ड है ही नहीं। माफ नहीं करता मैं किसी को। एक गलती पे पेन तोड़ देता हूं। कलम लिखते हैं ना, मृत्यु दंड और थट खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। टिकता कौन है? टिकता कौन है? जो अपने सपनों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपनी बातों के प्रति, अपनी जवान के प्रति, अपनी सब चीजों के प्रति इस बिजनेस में क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। तो क्या लगता है आपको आप में ये क्वालिटी है? कुआरा है अगर कोई आदमी, बहुत ज्यादा शादी की खुजली है, करवा लो, करवा लो। क्या है? करोड़पति बने ना बने कोई आदमी हिंदुस्तान में, लखपति बने ना बने, अरबपति बने ना बने, गारंटी है एक लड़की का पति जरूर बनेगा। आगे पीछे कभी ना कभी बनेगा, गारंटी है, लिखवा के ले लो मेरे से। समझ आ रहा है? तो क्या उखाड़ लेगा? बन जाएगा तो क्यों? बहुत लोग घूम रहे हैं, ईमानदार नहीं है। रात को अपलाइन को उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं। रात को अपलाइन बोल रहा है चलो ऐसे ऐसे कर लो, और फिर 2:30 बजे तक व्हाट्सएप पे लगे हैं, फिर 2:30 बजे तक गर्लफ्रेंड से बातें करने लगे हैं, और फिर सुबह लेट हो गए, और फिर अपलाइन ने पूछा कि उठ गया बेटा, जा रहा है कहीं, काम कर रहा है क्या? हाँ हाँ रस्ते में हूं, अभी घर में ही पड़े हैं, बहाने बना रहे हैं। रात को 3 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, तो सुबह उठेंगे कितने बजे? और फिर बार बार कंपनी को बोल रहे हैं अरे होता कुछ नहीं है, हमने तो ऐसे किया था, हमारी जिंदगी नहीं बन रही है। बनेगी क्या जिंदगी? क्यों? क्या नहीं है इसमें? खुद के लिए ईमानदारी नहीं। समझ आ रहा है आपको? तो जिस भी चीज पे ईमानदारी गई, ईमानदारी पैसे पे जाएगी या तो चरित्र पे जाएगी या किसी के लिए कुछ गलत काम करोगे। और जैसे ही ईमानदारी गई, लिखवा के ले लो मेरे से, तबाह हो जाएगा इस धंधे में। तो कितने लोग ऑनेस्ट रहने का वादा कर रहे हैं खुद से, मेरे से नहीं करना है। प्रॉमिस हमेशा दूसरों से किया जाता है और कमिटमेंट जो होता है वो खुद से किया जाता है, खुद से। व्रत जब हम करते हैं तो वो सेल्फ कमिटमेंट होता है कि शाम तक कितने भी रसगुल्ले मेरे सामने आ जाएं, लेकिन मैं शाम तक अपने मुंह में एक भी निवाला जाने नहीं दूंगा। ये कमिटमेंट किसका होता है? खुद का। क्या उस दिन किचन को ताला लगा होता है? क्या लोग लाते नहीं, खिलाना चाहते हैं ना, फिर भी हम मना करते हैं? किससे कमिटमेंट होता है वो हमारा? सेल्फ कमिटमेंट होता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
कितने ही पकवान आए लेकिन शाम तक आज मैं खाऊंगा नहीं। और भगवान किसी भी धर्म में नहीं बोलता भूखे रहो। मैं सच बता देता हूं आपको, अध्यात्म में गया तब से मेरे को पता चला, सिर्फ आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए हर धर्म में व्रत सिखाया जाता है। किसको बढ़ाने के लिए? आपकी संकल्प शक्ति, जो आपने संकल्प किया, क्या आप उस संकल्प पर कितने दिन तक अडिग हो। सिर्फ अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है आप पे। जब भी आप कोई भी व्रत करते हो, सेल्फ का कमिटमेंट कितना रखते हो और कितना उसको ईमानदारी से निभाते हो, उसको सिखाने के लिए हर धर्म धरती पे जो चलता है वो व्रत सिखाता है। और हमारा बिजनेस, ये बिजनेस भी आपको व्रत सिखाता है, आपको आपकी ईमानदारी का व्रत। समझ आ रहा है? तो कितने लोग ऑनेस्ट होने का वादा कर रहे हैं कि नहीं जी, हिलेगी नहीं किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए, ना कोई लड़की ऐसी बनी है धरती पर जो हमको हिला सके, ना कोई ऐसी चीज बनी है, ना कोई पैसे बने हैं, ना कुछ बना है। हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करो, दूसरे के पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। जितने लोगों ने दूसरे के पैसे गलत यूज किए हमारे बिजनेस में, उन सब ने यहां पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेली है। सबसे पहली तकलीफ हमारी नजरों में गिर जाते हैं वो लोग, आधी डीडी लेके आ जाते हैं लोगों की। मैं मना करता हूं स्टेज से आधी डीडी मत लो, आधी डीडी 1000 रुपया किसी ने दिखाया नहीं, इनकी लाट टपक जाएगी तुरंत। अरे भाई साहब, हाँ 7000 बाद में दे देना, 1000 दो, तुरंत ज्वाइन करा देंगे हम आपको। वादा करेंगे उल्टे सीधे उसको कि नहीं 1000 दो आप, अरे हम मिला के भेज देंगे आपके 7000। साले ने 7000 ना 20 साल से नहीं देखे इसने 7000 खुद के, और वादा कर देंगे उसको। और ऐसे लोगों के बाद में 2 हफ्ते बाद उसको पता चल जाएगा कि जो 1000 ले गया था मेरे, आज तक उसके पास रखे हैं, कुछ नहीं भेजा उसने। और फिर उसके बार बार जाके अलग अलग बहाने बना के तुम्हारी डीडी चली गई है, प्रोडक्ट आने वाला है, फलाना है, बाकी के पैसे दे दो, ये दे दो, फिर वो देगा नहीं, फिर लेट हो जाएगा, फिर और कोई लफड़ा होगा, और फिर उस आदमी को इसकी औकात पता चल जाएगी। और ये सब किसने किया? बीज किसने बोया है? किसने बोला इसको 1000 रुपये लो, 2000 लो? मैं बोल रहा हूं कोई भी आदमी अगर आपको 500 रुपये से कम दे रहा है, क्योंकि आपकी हिम्मत है 500 रुपया मिला के भेजने की, 500 रुपये से अगर आदमी कोई कम पैसे दे रहा है, हाथ में पकड़ो ही मत भाई साहब, तुम रख लो अपने पास, जब आपकी इच्छा हो कर लेना, मेरी जरूरत नहीं है, सिक्योर आपकी जरूरत है। जिंदगी आपकी बननी है, सपने आपके पूरे करने हैं, बच्चों को आपके कार मिलनी है, कल आपका भला होना है, कल आपको लाखों रुपया आना है, मेरी क्या जरूरत है? आप पे जब पूरे हो जाए जब दे देना भाई साहब, तब आप 15 दिन बाद आ जाऊंगा, 10 दिन बाद आ जाऊंगा, तुरंत उसको पकड़ा दो। और ये ईमानदारी जब आप अपनी चेक करा लोगे ना, कोई आदमी एक आएगा, एक ही आदमी आपके लिए टीकेन सिंह चौधरी बनेगा और सीधा 60,000 का नेटवर्क लाएगा। आपकी ईमानदारी चेक कर रहे हैं लोग, और आप क्या कर रहे हो? 1000-1000 रुपए के लिए लाट टपका दे रहे हो। किसी की 200 रख लिए, किसी के 100 रख लिए, किसी के 50 रख लिए, किसी का कुछ रख लिया, किसी ने फोल्डर के पैसे दिए उसका फोल्डर नहीं लाए, किसी ने और कुछ किया उसका ये सब नहीं किया, और सब अपनी ईमानदारी का पूरा करके बर्बाद हो रहे हो। कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है आज के बाद ईमानदार होने का? पक्का ले रहे हो निर्णय? रखोगे ईमानदारी? दूसरे का पैसा, बच्चे, दूसरे की चीजें, जिस आदमी ने भी इन सब चीजों पर नियत खराब की, बर्बाद होगा। लिखवा के ले लो मेरे से।